नॉलेज लाइब्रेरी डेली करंट अफेयर्स न्यूज हेडलाइंस 20 जनवरी 2023। राष्ट्रीय समाचार। रसतृप्ति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च तक उड़ान उत्सव आय 2024 के तहत सार्वजनिक देखने के लिए खुलेगा। सोमवार को छोड़कर लोग सप्ताह में 6 दिन उड़ान का दौरा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगरतला में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका के विषयों के साथ 26 जनवरी को कार्तविया पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड महिला केंद्रित होगी। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर 2024 का विनियमन दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी कोचिंग केंद्र 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को दाखिला नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए राज्य का उद्घाटन किया और शुक्रवार को बंगलुरु में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया। ईएम शिखर सम्मेलन के मौके पर युगांडा में अपने वेनेजुएला के समकक्ष यवन गिल से मिलता है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्र ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में मीडिया व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। भारत ने WEF वार्षिक बैठक में ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी और समानता के लिए नए गठबंधन की घोषणा की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के भ्रामक नाम के तहत मिठाई की बिक्री के लिए अमेज़न को नोटिस जारी किया। अयोध्या में रामलाला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की। पर्यटन मंत्रालय 23 से 31 जनवरी तक वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित करने के लिए युगांडा में G-77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। एड ऑनलाइन बेटिंग ऐप से संबंधित मामले में लगभग 9 करोड़ रुपए की संपत्ति देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा बंगलुरु में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। भारत मत्स्य प्रबंधन पर COFI उपसमिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ में राष्ट्र के लिए BRO के 670 करोड़ रुपए के 35 विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि तकनीकी नवाचार देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक योगदान देंगे। PM मोदी ने सोलपुर महाराष्ट्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के AMRUT की 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। NDRF इस साल आपदा प्रबंधन में 70,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। इस साल रिपब्लिक डे फ्लाईपास्ट में 29 लड़ाकू विमान, 8 परिवहन विमान, 13 हेलीकॉप्टर और 1 विरासत विमान सहित कुल 51 भारतीय वायुसेना के विमान भाग लेंगे। 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 2024 से 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उच्च अंत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नए कार्यक्रमों को लाने के लिए आज PM मोदी द्वारा डोरदर्शन तमिल को फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने दिन को बढ़ाने के लिए NDRF कर्मियों को बधाई देते हैं। भारत के कई हिस्सों में बहुत घने कोहरे की स्थिति देखी गई, बाधित दृश्यता के कारण कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट्स ने संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विंग्स इंडिया अवार्ड्स के 4th संस्करण में वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के नागरिक सैन्य नेतृत्व ने ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक की। भारतीय दूत हरीश परवतनेनी ने फ्लोरियन हेन से मुलाकात की, भारत जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। श्रीलंका में भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आगे विशेष पूज का अवलोकन किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपनी साझा सीमा के पास गैर ईरानी ग्रामीणों पर टैग 1 आतंकवादी ठिकाने के खिलाफ पाकिस्तान के सटीक सैन्य हमलों की निंदा की, इसे असंतुलित और अस्वीकार्य कहा। गंभीर सूखे के कारण पनामा नहर के माध्यम से जहाज क्रॉसिंग में 36% की कटौती, प्रशासक रिकॉर्ड वास्केस का अनुमान है कि पानी का स्तर $700 मिलियन तक हो सकता है। US राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि इस सप्ताह ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों से पता चलता है कि ईरान को इस क्षेत्र में अच्छी तरह से पसंद नहीं किया गया है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान द्वारा हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में अपने पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण करता है। खेल समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने तमिलनाडु के चेन्नई में खुला घोषित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा भारत एक नए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH महिला के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान के खिलाफ 1-0 से हारने के बाद 2016 के बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। रांची में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिका के टेक्सास में विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला एकल जीतने के लिए पैडलर श्रीजा अकुला को बधाई दी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन, भारत के स्टार शटलर HS प्रणॉय को TW। पुरुषों के एकल क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे का वांग। शतरंज में दोमार्जू गुकेश ने दुनिया को कुचल दिया। पांच यान नेपोमनियाची नीदरलैंड के विजकान जी में टाटा स्टील मास्टर्स के पांचवें दौर में सफेद टुकड़ों के साथ। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024, भारतीय महिला हॉकी टीम रांची में जर्मनी से हार गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।